एक मशीन तो अभी से फ्यूचर में कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए रेडी है। इस मशीन को बनाने का पर्पस ही केवल बड़ा नहीं था, इवन ये मशीन एक्चुअली में काफी बड़ी है। बिकॉज इस तरह की एक मशीन का वेट 5 स्पेस शटल्स जितना है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए ऐसे 24 ट्रक्स की जरूरत पड़ती है। एंड साइज में इतने बड़े एंड हैवी होने के बाद इलॉन की ये मशीन इवन टेस्ला फैक्ट्री में भी फिट नहीं हो सकती। सो इस तरह की मशीन को बनाने के पीछे इलॉन का क्या मोटिव था, एंड इस तरह की मशीन को बनाने की इंस्पिरेशन इलॉन को बच्चों के खिलौनों से कैसे मिली? वेल, ऐसे क्वेश्चंस के अलावा वन थिंग इज श्योर कि टेस्ला की इस मशीन की जरूरत वर्ल्ड के सभी इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरर्स को होने वाली है। अदरवाइज इस कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन की एब्सेंस उन कंपनीज के साथ वैसा ही करेगी जैसा हमारी कंट्री में जियो ने अदर कंपनीज के साथ किया। सो लेट्स सी इलॉन की कंपनी टेस्ला को इस तरह की 430 टन की गीगा प्रेस मशीन की जरूरत क्यों है। बट बिफोर दैट, क्या आपको पता है कि इलॉन गीगा प्रेस जैसी मशीन बनाने के साथ ऑलरेडी एक स्मार्टफोन आइडिया पर काम कर रहे हैं कॉल्ड मॉडल पाई? वेल, इस टॉपिक को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बिग एम्बिशियस गोल्स एंड वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशंस के लिए फेमस बिग बिलियनर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला अब काफी सक्सेसफुल बन गई है। एंड इलॉन की तरह ही टेस्ला के सभी इन्वेस्टर्स के लिए उनकी सबसे प्राउड कंपनी में से एक है। इलॉन की ड्रीम इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी आज की डेट में वर्ल्ड की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसकी वजह से टेस्ला वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज के लिए एक एक्सेप्टेबल ब्रांड बन गया है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया। एंड मार्केट में ऐसे ही नंबर वन पोजीशन बनाए रखने के लिए टेस्ला सीक्रेटली ऐसी मशीन पर काफी लंबे समय से बड़ा अमाउंट स्पेंड करता रहा है कॉल्ड गीगा प्रेस। बट क्या इस तरह की मशीन टेस्ला को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में किसी तरह की लीड सच में प्रोवाइड कर सकती है? इफ यस, देन हाउ? टेस्ला को हमेशा से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जाना गया है। इसीलिए यदि टेस्ला की फैक्ट्री में यदि इस तरह की मशीन इस्तेमाल की जा रही है तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। वीडियो में इस मशीन की डायमेंशन को एक्सप्लेन करना एंड आपके लिए ऐसी मशीन को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, इस तरह की मशीन लंबाई में 22 गज की प्रॉपर्टी जितनी लंबी एंड 2 फ्लोर जितनी ऊंची हो सकती है। एंड इस तरह की गीगा प्रेस मशीन को बनाने के लिए टेस्ला ने एक इटालियन कंपनी कॉल्ड IDRA की हेल्प ली है। गीगा प्रेस नाम सुनने में इलॉन की फैक्ट्री गीगा फैक्ट्री से काफी मिलता जुलता नाम है, बट सरप्राइजिंगली गीगा प्रेस नाम का आइडिया एक्चुअली में इस मशीन के मैन्युफैक्चरर्स ने इलॉन को सजेस्ट किया था। टेस्ला राइट नाउ गीगा प्रेस की हेल्प से अपनी कार्स के लिए इस तरह के मेटल फ्रेम को सिंगल पीस में बनाती है, जिन्हें चेसी कहा जाता है। मीनिंग इस तरह की मशीन की मदद से टेस्ला को कार बनाने में यूजफुल हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स को अलग अलग बनाने की जगह जस्ट 3 पार्ट्स में बनाना पड़ता है। इस तरह के एडवांटेज से टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली डिले प्रॉब्लम को काफी इजीली सॉल्व कर सकती है। गीगा प्रेस जस्ट एक मोल्डिंग मशीन की तरह वर्क करती है, जिसमें मेल्टेड मेटल को गीगा प्रेस में अवेलेबल मोड में डालकर मेल्टेड मेटल को रिक्वायर्ड शेप दी जाती है। बट इस तरह का टास्क गीगा प्रेस के बनने से पहले किया जाता रहा है। सो गीगा प्रेस इस प्रोसेस को ट्रेडिशनल प्रोसेस से कैसे डिफरेंट करता है? वेल, इसका आंसर है गीगा प्रेस का साइज, जो इस प्रोसेस को काफी बड़े स्केल में इजीली कर पाता है। इस कंपैरिजन को एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि इस तरह की दो टॉय कार, जिनमें से एक ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है एंड अदर वन इज चीप। एंड ऐसे प्राइस का डिफरेंस सस्ते टॉय में देखे जाने का रीजन ये है दैट इस तरह की बॉडी एक बार में एक सिंगल यूनिट की तरह रेडी की जाती है, जिसके रेडी होने पर केवल टायर्स को टॉय में लगाना पेंडिंग होता है। वहीं इस तरह की एक्सपेंसिव टॉय कार में सभी पार्ट्स को एक एक करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये कार दूसरी कार से ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पर सेल की जाती है। एंड दैट्स हाउ इलॉन मस्क ने टॉय इंडस्ट्री के इस आइडिया की मदद से अपनी कार बनाने के प्लान को रेडी किया, जिसके लिए उन्हें ऐसी मशीन चाहिए थी जो इस तरह के प्राइस डिफरेंस को पॉसिबल बना सके, जिसके रिजल्ट उन्हें गीगा प्रेस मशीन की मदद से मिलने वाला है। अनदर रीजन टू लव दिस मैन। आई मीन, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती हैं, बस कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
आपका क्या ओपिनियन है ऐसे इलॉन मस्क के आइडिया के बारे में। Anyway, इस तरह से अपनी कार के लिए एक्सटीरियर बनाने से इलॉन टेस्ला की प्रोडक्शन इंक्रीज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके फाइनल स्टेज पर स्टिल मैन पावर की हेल्प ली जाएगी, जो गीगा प्रेस से निकलने वाली कार के बॉडी पार्ट्स को चेक करेंगे, जिसके बाद अगेन उन सभी पार्ट्स पर मशीन की हेल्प से नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। सो नाउ हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरह की मशीन को ऐसी फैक्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए किसी भी कंपनी को ऐसी मशीन के लिए क्यों बड़ी इन्वेस्टमेंट और अपनी फैक्ट्री में काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होगी। बट इस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट इलॉन के विजन के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी टेस्ला को काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो करेगी, बिकॉज इलॉन काफ़ी पहले से ही इस तरह की मशीन के प्लान पर वर्क कर रहे थे। इसलिए इलॉन नॉट जस्ट वन बट टोटल 6 गीगा प्रेस को अपनी फैक्ट्री गीगा फैक्ट्री में यूज करने वाले हैं, जो गीगा प्रेस को ऑटो इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर बना देगा। गीगा प्रेस का मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज है इस मशीन की वर्किंग स्पीड, बिकॉज ये मशीन साइज में इतनी बड़ी होने के बाद भी किसी तरह की मोल्डिंग प्रोसेस को काफ़ी स्पीड के साथ कर सकती है। एंड इस मशीन को बनाने वाली कंपनी IDRA के अकॉर्डिंग गीगा प्रेस मेल्टेड एल्यूमिनियम को रिक्वायर्ड कार की चेसी में जस्ट 100 सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकती है। जस्ट इमेजिन दिस क्विक स्पीड वर्सेस एक कार को रेडी करने में इन्वॉल्व 100 पार्ट्स को असेंबल करने में एंड बनाने में लगने वाला टाइम। यदि टेस्ला ऐसे ही मशीन्स का यूज करती रही तो ह्यूमंस को तो छोड़ो रोबोट्स के भी पास किसी तरह की जॉब नहीं होगी। फनी राइट? इस तरह की 3 गीगा प्रेस इन 1 गीगा फैक्ट्री 1 ईयर में 100,000 कार मैन्युफैक्चर इजीली कर सकेगी, एंड इस तरह की बड़ी क्वांटिटी आज तक किसी भी कार मैन्युफैक्चरर ने अचीव नहीं की है। 2021 में पब्लिश एक आर्टिकल में टेस्ला ने ऐसी ही बड़ी कार मैन्युफैक्चर करने की क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, बट उस आर्टिकल में टेस्ला ने 1 ईयर में 100,000 कार मैन्युफैक्चर करने से भी बड़े नंबर की तरफ हिंट किया था, एंड इवन 50% मोर नेक्स्ट ईयर। एंड इस तरह की बड़ी अचीवमेंट को रियल करने की सीक्रेट मशीन अब सबके सामने रिवील हो गई है, जो सैडली जस्ट एक टेस्ला फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं की जा सकती। इसलिए टेस्ला 9 गीगा फैक्ट्री के मल्टीपल प्लान्स पर काम कर रही है, जिन्हें वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में बिल्ड किया जाएगा। लेट मी नो यदि आपको इस टॉपिक की एक अपडेटेड वीडियो चाहिए, अदरवाइज इस टॉपिक को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस तरह के वेरियस गीगा फैक्ट्रीज की मदद से टेस्ला एक साल में 1,000,000 कार मैन्युफैक्चर करना चाहती है, एंड सिंस टेस्ला के पास अब इस तरह की मशीन है, सो टेस्ला कम से कम टाइम में अपनी कार्स को बना सकेगी, जिससे टेस्ला कार की ग्लोबल डिमांड को नेवर एंडिंग सप्लाई से फुलफिल करेगी। एंड डिमांड और सप्लाई में कमी ना होने के कारण टेस्ला अपनी कार को मे बी और भी कम प्राइजेस में बना सके, जो नॉट जस्ट टेस्ला के लिए बट बायर्स के लिए भी एक कॉस्ट सेविंग ऑप्शन हो सकता है। राइट नाउ टेस्ला को अपनी कार 0 to 100% बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसमें क्वालिटी अश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले डिले का वन ऑफ द रीजन है। इसलिए गीगा प्रेस की मदद से टेस्ला ना सिर्फ इस प्रोसेस के डिले को रोक सकेगी, बट टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग को बिना किसी पर डिपेंड रहे खुद पूरा कर सकेगी, जो अभी तक तो हमारी कंट्री में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ना लग पाने का एक रीजन था। सो मे बी गीगा प्रेस के बाद अब नाउ टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमारी कंट्री में भी सेटअप कर सके, एंड मे बी एट द एंड टेस्ला हमारी कंट्री के लिए कुछ लेस एक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल बना सके। इवन टेस्ला को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए इलॉन मस्क ने चाइना में एक ऐसी टीम को रेडी किया है जो ऐसी चीजों पर फोकस कर रही है। सो लेट्स सी फ्यूचर में ईवी कार्स कितनी पॉपुलर होती हैं। क्या इस पॉपुलैरिटी का रीजन इंक्रीज होते फ्यूल प्राइसेस होते हैं या फिर अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? शेयर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट फॉर नाउ टेस्ला अपनी फैक्ट्रीज में इस तरह की जायंट मशीन के आने का वेट कर रही है, बिकॉज टेस्ला के पास राइट नाउ इस तरह की मशीन अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा काफी जल्द चेंज होने वाला है। इवन वर्ल्ड में राइट नाउ इस तरह की गीगा प्रेस जस्ट एक कंपनी के पास मौजूद है, एंड सरप्राइजिंगली साउथ कोरिया में मौजूद इकलौते गीगा प्रेस का इस्तेमाल किसी कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम को करने के लिए किया जा रहा है। साउथ कोरिया में मौजूद ये कंपनी कॉल्ड गैलोटेक अपनी गीगा प्रेस की मदद से स्मार्ट डिवाइसेस के लिए ओनली 5G कंपोनेंट्स बना रही है।
सो लेट्स सी टेस्ला को अपनी ये जाइंट मशीन कब डिलीवर की जाती है। तब तक के लिए लीव योर फीडबैक एंड वीडियो सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।